नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत यूनिट संख्या 3 की हम आज शुरुआत करेंगे। यूनिट संख्या 3 में हम विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। कौन कौन से हैं यूनिट संख्या 3 में हम पढ़ेंगे? उत्पादन से आप क्या समझते हैं, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन से हैं और इसका सापेक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरे हम चैप्टर में पढ़ेंगे उत्पत्ति हाश नियम किसे कहते हैं या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कैसे किसे कहते हैं, इस नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए, इस नियम के क्या महत्व हैं, क्या सीमाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे या उत्पत्ति हाश नियम के लागू होने के कौन कौन से कारण हैं। फिर हम पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल के बारे में हम चर्चा करेंगे, पैमाने के विभिन्न प्रतिफलों के बारे में देखेंगे, ये भी प्रोडक्शन से निर्भर है। फिर पढ़ेंगे हम विभिन्न प्रकार की लागतें जिसमें अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें सम्मिलित हैं, जिसका आगम से क्या महत्व है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइसोकैंट कर्व है, समोत्पत्ति लागत वक्र किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, रेवेन्यू आगम किसे कहते हैं, आगम कितने प्रकार के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो यूनिट संख्या 3 अपना उत्पादन से संबंधित है, प्रोडक्शन से संबंधित है। तो आज हम शुरुआत करते हैं यूनिट संख्या 3 में चैप्टर उत्पादन के साधन। अपना टॉपिक भी यही रहेगा आज का, उत्पादन किसे कहते हैं और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। उत्पादन के साधन और उत्पादन और महत्व क्या है, इसका सापेक्षिक महत्व है, उनके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी उपयोगी है और अपने को प्रोडक्शन चैप्टर के अध्ययन करने से इसकी बेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करें प्रोडक्शन की, उत्पादन की। उत्पादन जैसा भी आपको मालूम है, किसी वस्तु का निर्माण करना या किसी वस्तु का सृजन करना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो अपनी विभिन्न प्रकार की लागतों का वहन हमें करना होता है, तभी हम प्रोडक्शन तैयार करते हैं। अब हम चर्चा करें इसकी भूमिका की कि उत्पादन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा जो उद्यम किया जाता है या जो कार्य किया जाता है, यह उद्यम ही उत्पादन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं कि उनकी पूर्ति के लिए धन के द्वारा कर सकता है, तो वह धन आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा कमाया जा सकता है, अतः धन कमाने संबंधी समस्त कार्य उत्पादन कहलाते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम देखें, एक विभिन्न प्रकार के लकड़हारे के लिए वृक्ष महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर वह कुर्सी मेज़ किवाड़ आदि का निर्माण कर सकता है, तो वो प्रोडक्शन करता है विभिन्न वस्तुओं को। तो उस प्रकार उत्पादन पैदा करने संबंधी मनुष्यों का यह प्रयत्न उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार से उत्पादन सृजन का यह कार्य भी उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन के विभिन्न श्रेणियों की हम बात करें उत्पादन की, कि किसी वस्तु का निर्माण करना या सृजन करना, वस्तु का निर्माण करना, सृजन करना, जिसका उद्देश्य क्या होगा, धन कमाना होगा। जब किसी वस्तु का वह सृजन व निर्माण करेगा तो हमें विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स वह काम में लेगा, तो उसे हम कहेंगे उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधनों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें भूमि, श्रम, साहस, पूंजी, प्रबंध, इनको सम्मिलित किया गया है।
तो उत्पादन के साधन वो होंगे जो उत्पादन गतिविधियां उत्पादन कार्य करने में सहायक होते हैं, वे उत्पादन के साधन कहलाते हैं। उत्पादन के साधनों में मुख्यतः विभिन्न साधन सम्मिलित किया जाता है, जिसमें भूमि, श्रम, साहस, प्रबंधक और एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार उत्पादन की हम बात करें साधनों की, तो पहला तो है, पांच साधन है, पहला भूमि, लैंड उत्पादन के साधनों में करें, दूसरा है श्रम, लेबर ये भी उत्पादन के साधनों में सम्मिलित है, पूंजी, जैसा कि आप जानते हैं उत्पादन के साधनों में भूमि है, श्रम है, पूंजी है और प्रबंध संगठन और साहस सम्मिलित है। मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन और साहस एनकरेजमेंट वो कह सकते हैं इसको, इंटरप्राइजेस साहस, ये उत्पादन के पांच साधन हैं जो कि निर्माण कार्यों में या निर्माण कोई वस्तु का निर्माण करने में इनकी अहम भूमिका होती है। तो उत्पादन के साधनों को हम पांच भागों बांटते हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। जैसा कि पहला उत्पादन का साधन है भूमि, भूमि में आपको जैसा कि मालूम है ये प्रकृति के द्वारा दी गई एक निःशुल्क उपहार है। अर्थशास्त्र में भूमि का एक बहुत बड़ा व्यापक अर्थ मानते हैं, जिसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह ही भूमि नहीं कहलाती, वरन भूगर्भ में या भूगर्भ के ऊपर जो जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त निःशुल्क देह विद्यमान है, जो भूमि की श्रेणियों में आती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, जल, नदी, पहाड़ आदि के ऊपर ऊपरी सतह या खनिज संपदा आदि भूमि की श्रेणियों में मानते हैं। दूसरा है श्रम, लेबर, मनुष्य द्वारा धनोत्पादन की दृष्टि से किए गए मानसिक व शारीरिक प्रयत्न श्रम की श्रेणी में आते हैं, जो कि मार्शल कहते हैं कि प्रयत्न प्रत्यक्ष आनंद की दृष्टि से न किए जाकर पूर्णतः आंशिक रूप से धनोत्पादन की दृष्टि से किए जाते हैं। तो भूमि तो उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, जिसके प्रयोग से उपयोगिताओं का सृजन श्रम द्वारा होता है। इस प्रकार श्रम उत्पादन का एक सक्रिय एवं अपरिहार्य साधन भी मानते हैं। तीसरी है पूंजी, कैपिटल, पूंजी उत्पत्ति के कुछ भाग अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाकर रखा जाता है, जिसकी सहायता से भविष्य में उत्पादन के लिए यंत्र, मशीनें, कच्चा माल, श्रम के पारस्परिक भुगतान आदि की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार उपार्जित धन का वह भाग जो अधिक धन उत्पादन करने के प्रयोग में लिया जाता है पूंजी कहलाती है। मार्शल भी कहते हैं कि प्रकृति निःशुल्क देने के अतिरिक्त पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित संपत्ति का वह भाग माना जाता है जो अधिक धन उत्पादन के प्रयोग में लिया जाता है। अगला है प्रबंध और संगठन। प्रबंध संगठन की हम बात करें तो बड़े पैमाने पे अर्थशास्त्रियों में उत्पादन साधन बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिनमें सुचारू रूप से काम करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो उत्पत्ति के पैमाने के अनुसार भूमि, श्रम, पूंजी की व्यवस्था करके कम से कम लागत से अच्छा उत्पादन कर सकता है। वह व्यक्ति ही संगठनकर्ता के रूप में माना जाता है। इस प्रकार आधुनिक बड़े पैमाने की प्रतिस्पर्धा या संगठन के आधार पर या इस प्रकार आधुनिक पैमाने की प्रतिस्पर्धा के आधार पर एक उत्पादन का अनिवार्य साधन माना जाता है। अगला है साहस, इंटरप्राइज, उत्पादन के बड़े पैमाने अर्थव्यवस्था में उत्पादक के व्यक्तिगत साधन अपर्याप्त रहते हैं, अतः इन्हें विभिन्न व्यक्तियों से जुटाकर उत्पादन चलाया जाता है, जिसमें उत्पादन, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध के जिन जिन व्यक्तियों की सहायता से पहुँचाए जाते हैं उन्हें सहायतानुसार प्रतिफल जो चुकाने में जोखिम
जो व्यक्ति उठाता है या लाभ हानि का उत्तरदायित्व लेता है वह साहसी कहलाता है। तो जोखिम उठाना वाला व्यक्ति साहसी होता है। जो बड़े पैमाने के अर्थशास्त्र में अनिश्चितता और जोखिम बनी रहती है, साहस वरन उसके उत्पादन के अन्य साधनों या उसके पारिश्रमिक दृष्टि से निश्चित करने या गुरुतर भार उठाता है जिसके लिए उत्पादन मत है। अब हम बात करें उत्पादन के साधनों का सापेक्षित महत्व की। उत्पादन के साधनों की सापेक्षित महत्व के बारे में हम विभिन्न साधनों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि उत्पादन का साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में भी समस्त उत्पादन लक्ष्य अत्यधिक लाभ कमाना होता है। तो इसका सापेक्षिक महत्व में उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा? लाभ कमाना। तो लाभ किस प्रकार से कमाया जाता है? जब वस्तु का जब निर्माण किया जाता है तो वह मार्केट में उसको बेच के न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाया जाता है। अच्छे से अच्छे कलपुर्जे या मशीन या कुशलतम श्रमिक या अन्य सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी के अभाव में इसकी व्यवस्था करना असंभव है। अतः आर्थिक समृद्धिशीलता की वृद्धि करने के दृष्टि से आधुनिक युग में पूंजी का महत्व या भूमि से या श्रम अधिक है। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक बार हम भूमि व श्रम के बिना भी उत्पादन चलाना संभव करते हैं, परंतु भूमि के अभाव में उत्पादन का सफल होना संभव नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार उत्पादन का पैमाना बढ़ाने के लिए भूमि और श्रम पूंजी का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके अनुसार उसकी योग्यता या अत्यधिक काम लेकर उत्पादन अच्छे से अच्छा करके सस्ते से सस्ता प्राप्त करने का कार्य संगठनकर्ता की सुचारू रूप से संपन्न करता है। तो संगठनकर्ता के अभाव में भी उत्पादन क्रिया छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पादन श्रेणी का होने लगता है। तो हम वर्तमान युग की बात करें तो अनिश्चितताओं या जोखिम भरा हुआ है, क्योंकि उत्पादन साधनों भूमि श्रम पूंजी साहस संगठन में भी अनिश्चितताओं जोखिम की सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार सुरक्षा व उत्पादन के सहयोग का सहमत नहीं होते। तो विभिन्न प्रकार के महत्व इसमें सम्मिलित हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 5 साधन महत्वपूर्ण हैं, अपने स्थान पर सभी अपरिहार्य हैं, जो कि प्रत्येक के बिना उत्पादन सफलतापूर्ण संभव नहीं है। तो इस प्रकार उत्पादन के साधनों में ये भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो कि एक सहायक तरीके से क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रेखाचित्र की सहायता से उत्पत्ति ह्रास नियम को समझाइए या उत्पत्ति ह्रास नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। तो हम उसके बारे में हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने चर्चा की कि उत्पादन किसे कहते हैं और उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं और उत्पादन का सापेक्षिक महत्व या उत्पादन के साधनों का सापेक्षिक महत्व क्या है, उनके बारे में हमने संक्षेप के बारे में चर्चा की, जिसमें विभिन्न प्रकार के घटकों का सम्मिलित उत्पादन में वस्तुओं का निर्माण का सर्जन करना उत्पादन कहलाता है, जिसमें वस्तु का इस प्रकार से निर्माण किया जाता है वह उत्पादन के साधन वो होते हैं जिसमें उत्पादन क्रिया चलाने में या उत्पादन क्रिया या उत्पादन गतिविधियों में अहम भूमिका निर्वहन करते हैं, जिसमें भूमि श्रम पूंजी प्रबंध साहस को शामिल किया जाता है। तो इसमें 5 साधनों को शामिल करते हैं जो कि उत्पादन कार्य में ये अहम भूमिका का निर्वहन किया जाता है। तो उत्पादन के साधन 5 हैं, भूमि श्रम पूंजी प्रबंध साध, इनके बिना उत्पादन करना असंभव है। इसके सापेक्षित महत्व की बात करें तो उत्पादन करने का मेन उद्देश्य जनता से लाभ कमाना है या कंपनी या फर्म उद्योग, यही इसका इम्पोर्टेंस माना जाएगा कि जिसका उद्देश्य लाभ के उद्देश्य से खोली गई जो भी संस्था हो उत्पादन जब किया जाता है तो हो सकता है वह फर्म हो, उद्योग हो, कंपनी हो। तो इस प्रकार ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है कि उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं और उत्पादन के सापेक्षित महत्व कौन कौन से हैं। इसी क्रम में हम प्रोडक्शन से रिलेटेड अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उत्पत्ति ह्रास नियम को रेखाचित्र के माध्यम से समझाइए, उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है और उत्पत्ति ह्रास नियम की कौन कौन सी सीमाएं हैं, उनके बारे में हम संक्षेप चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में हम उत्पत्ति ह्रास नियम पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे समोत्पत्ति वक्र, समोत्पत्ति वक्र किसे कहते हैं या सम लागत वक्र किसे कहते हैं,
समोत्पत्ति वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं, उसको भी हम एक रेखा चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपके लिए उत्पत्ति हास नियम के बारे में। बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू।